बहुत सारे ऐसे हैं जिनको दसवीं, बारहवीं या कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के तीन खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती। आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बने। साथियों,
ये हम कैसे कर रहे हैं। मैं सिर्फ बीते 5 साल का हिसाब आपको देता हूं। यहां करीब 50,000 बच्चे, साथियों इस बात से मुझे भारी संतोष है, इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, यहां पर 50,000 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छूट गया था, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। उन बच्चों का क्या कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं था। मोदी ने इन 50,000 बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराया। यहां 15,000 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई। इनमें आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यहां करीब 250 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यहां अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की कॉलेज बने हैं। अवंतीपुरा में एक बन रहा है। इन 5 सालों में यहां मेडिकल की करीब 1100 नई सीट जोड़ी गई है। नर्सिंग में भी 1500 और पैरामेडिकल में भी 1600 से ज्यादा नई सीटें जोड़ी गई हैं। अब मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर नहीं रहा, वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है। मुझे खुशी है